उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई में हो रही देरी को लेकर के हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में ज्ञान वापी से जुड़े सभी मामले हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने और अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले की तर्ज पर तीन जजों की बेंच में सुनवाई की गुहार लगाई है। ये जानकारी शनिवार को वाराणसी आए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दी है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 महीने से जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। ज्ञान वापी में एएसआई सर्वे के बाद अभी तक मुस्लिम पक्ष से आपत्ति तक नहीं मांगी गई और ज्ञान वापी के मूल वाद की सुनवाई सिविल जज कोर्ट में चल रही है, जबकि श्रृंगार गौरी से जुड़े मुकदमे जो है वो जिला जज समेत कई अन्य कोर्ट में भी चल रहे हैं। वाराणसी कोर्ट में ज्ञान वापी से जुड़े मामलों की संख्या लगातार बढ़ने से सुनवाई का हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं आपके सामने दुख व्यक्त करना चाहता हूं और मुझे उसमें कोई जिसे कहते हैं कोई हेजिटेशन नहीं है, कॉल अपॉन नहीं की गई है। जो एडवोकेट कमीशन की सर्वे पे ऑब्जेक्शन आ चुका है उसका निस्तारण नहीं किया गया है। जो और सूट्स अलग अलग उनकी निचली कोर्ट में चल रहे हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन का, उसको अपने पास नहीं मंगाया गया है और एक ऐसे लीगल मझधार उत्पन्न हो गई है जिससे ये केस इसी कंट्रोवर्सी में चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन का ऑर्डर है उसकी अपील कौन सुनेगा, उसका रिवीजन कौन सुनेगा। तो जो डिले टैक्टिक्स हैं वो इस समय चरम पे हैं और इस डिले टैक्टिक्स को देखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई है कि इस मामले का ओरिजिनल ट्रायल आप इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दीजिए। जैसे राम मंदिर का ओरिजिनल ट्रायल 3 जजेस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के किया था, ज्ञान व्यापी का मसला लोगों की आस्था